एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। और हमें करना वही है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तरीका हमने जो पिछले किया तो वही करेंगे। कैसे? कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म है, कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का वो, और जो कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 6 × 6 इज 36। साइन अभी आप इसमें मत वो देखो, 36। सबसे पहले हमने निकाल लिया प्रोडक्ट, अब इसको हम फैक्टराइज करके इसके लिए टर्म, दो टर्म्स निकाल लेंगे ताकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकें। सो तो 36 के पहले हम फैक्टर्स लिखने वाले हैं। तो 1 × 36 तो हमें पता ही है, देन 2 × 18, 18 × 2 है ना, 3 × 12 सा, 4 × 9 एंड देन 6 × 6। बस अब इसके बाद रिपीट हो जाएगा तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमें मिलने जाए 5, वो भी प्लस में, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो इनको जब हमने चेक किया तो हमें पता चला ये दो नंबर्स 4 और 9, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। तो हम ये दो नंबर्स यूज़ करने वाले हैं, 9 + 9 और -4, क्योंकि जब हम ये करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5, और क्योंकि बड़ा प्लस में है तो ये हमारा हो जाएगा +5, और हमें वही चाहिए, ठीक है। सो नाउ विल बिगिन। पहली टर्म एज इट इज़, बिना किसी डिस्टर्बेंस के बड़े प्यार से इसको हम नीचे कॉपी कर लेंगे। अब इस टर्म को स्प्लिट करेंगे, दो ऐसे नंबर्स लिखेंगे जिनको फाइनली हमें यही मिले, जिनको प्लस या माइनस करके 5x ही आएगा। तो हमने नंबर्स निकाल लिए हैं तो हम यूज़ करने वाले हैं प्लस है ना, प्लस 9x - 4x। अब आप देखो 9x और 4x हमने इसकी जगह लिख दिया, इट इज़ एज गुड एज दिस, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यही निकलता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया, और ये हमने इस टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया है, और लास्ट वाला एज इट इज़ कॉपी करते होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयर करने के लिए हम ये देखिए, पहले ये दो टर्म्स कंसिडर कर रहे हैं हम। अब इसमें क्या कॉमन हमें दिख रहा है, इसमें दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और x यहाँ भी है, यहाँ पर 2x हैं, तो हम 1x और 1 3 हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से हमने बाहर रख लिया, अब यहाँ पर बचा 2 और 1x, क्योंकि 3 × 2 = 6x × x² तो सेम वैल्यू आ जाएगी, बस हमने कॉमन निकाल लिया था। प्लस का साइन एज इट इज़ कॉपी, देन 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 ज़ा, 1 3 बाहर है, 3 × 3 ये हो गया, x हम बाहर निकाल ही चुके हैं, तो हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। अब हम इस वालों को कंसिडर कर रहे हैं, ऑलराइट। इसमें क्या कॉमन है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तो -2 बाहर ले लेते हैं हम, ऑलराइट। अभी अंदर क्या बचा, 2x, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमने इसको लिख देंगे हम प्लस, और हमने 2 बाहर ले, 2 3 = 6, और हमें ये भी देखना है कि ये दोनों सेम हो। अब ये करने के बाद हमें दिख गया कि दोनों सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। बस अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x - 2, और दूसरा ब्रैकेट हमारा ये हो गया 2x + 3, अब ये हो गई, ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज कर दिया हमने, बस दैट्स आर आंसर, ऑलराइट। चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में वही सेम स्टेप करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 = हमें मिला 12, ओके। नाउ अब हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 1 × 12, फिर 2 6 = 12, 3 4 = 12, ठीक है। अब इसमें से हमें और 4 3 = आ जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहीं इस पर रोक दे रहे हैं हम, क्योंकि रिपीट हो जाएगा, ओके। अब हमें इनमें से दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमें -x का मतलब -1 मिल जाए, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है कि इन्हीं दोनों को करके मुझे मिलेगा, सो इफ आई राइट -4x + 3x, तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 3 में से 4 माइनस किया तो 1, यानी कि x, और साइन बड़े का लग जाएगा माइनस, तो मुझे माइनस मिल जाए, तो मुझे अपने दो नंबर्स ये और ये मिल गए हैं इसको स्प्लिट करने के लिए। सो बस नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज़ कॉपी करना है हमने, 3x². अब इसकी जगह दो टर्म्स ये लिखेंगे, लाइक -4x + 3x - 4, क्लियर।
वेरी सिंपल, ऑलराइट। अब इसमें से दोनों में क्या कॉमन है? थ्री है, ये फोर है, ओके, तो ये कॉमन नहीं है। इधर भी एक्स है, इधर भी एक एक्स है, तो सिर्फ हम एक एक्स बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या, जब इसमें से एक्स चला गया तो बचा थ्री एक्स माइनस फोर, क्योंकि एक्स तो बाहर ले लिया हमने, ठीक है। अब इस केस में हम क्या बाहर निकाल सकते हैं? कुछ भी, सेम टर्म है ना, तो हम बस प्लस वन बाहर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर। तो अब हमारा ये एक ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन एंड दी अदर, ये दोनों सेम है, मतलब हमारा सम भी सही है, थ्री एक्स माइनस फोर एंड यू आर डन, राइट। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव।